हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में और नई क्लास में। तो देखिए आप एक्सरसाइज 7.1 क्या है। तो 7.1 में जो क्वेश्चन आपको पहले जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको सेंड किया है आपके लिंक द्वारा, तो उस वीडियो को पहले आप ढंग से देखिए क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये लर्न करनी है, तो आपको मैं समझता हूँ लर्न हो चुके होंगे। तो इसको देखते हैं, आप बता दो लाइन 9 का क्यूब कितना होता है। वेरी गुड, 64 मत बोल देना आप, 7 to 9 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इनको तो परफेक्ट इनको लर्न करने ही है, उसके बाद में इनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोला इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है और कौन सा नहीं है। भाई आपको अलग से लिखना है सेपरेट करके। तो 216 अपना परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि देखा इन दोनों इन सब में, तो 216 क्या है, अपना परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब देन बात की 128 की, तो 128 भी यहाँ पे है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 1000 की बात की तो 10 का क्यूब होता है 1000, इट मीन्स परफेक्ट क्यूब नंबर। 100 नहीं होता है, जीरो किस में आते हैं, 6 बार ऐसे आते चलते हैं, ठीक है, 3 times और 6 times। ये है या नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़े अपने को, तो बस पता ऐसे नहीं चलता है भाई है या नहीं, तो अपने को सिंपली क्या करना पड़ता है, इसके लास्ट में 6 है, 3 के पर 9, लास्ट में तो 6 था, तो 6 का तो 6 ही होता है, मैंने बताया था 6 का क्यूब 6 होता है पीछे वाले वीडियो में। अब देन 46 किस किस के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है 46, तो इससे ऊपर वाला नंबर लेना है 36, आंसर 36। अगर 36 को 3 बार मल्टीप्लाई करके ये डिजिट आई, इट मीन्स ये कन्फर्म होगा। तो देख लेते एक बार प्लस करके, अपन ट्राई कर लेते हैं कि प्लस करके 189 होना चाहिए, मैंने बताया था डिजिटल रूट के बारे में। तो ये बन गए 4 और 6 10 10 और 6 कितने बन गए 16 16 और 5 21, और ये बन गए 27। तो ये 9 भी बन रहे, देखो 27 में वापस से 2 और 7 को प्लस कर दो 9, इट मीन्स मेरे को लग रहा है कन्फर्म हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यस ही होगा, हो जाएगा कि कन्फर्म ही होगा। नेक्स्ट देखिए 2, अब सेम वही स्क्वायर वाले से क्वेश्चन आ गए। 213 बोला ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट जिसको इससे मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने बना लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो देखिए अब 2 4 3 2, क्या इसमें 2 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, लास्ट में 3 आ गया, आपको पता है ही। देखिए 3 का डिवाइड तो 2 और 4 6 6 और 3 9 बनते हैं, तो 3 का डिवाइड दे दो, कितना आता है 3 का डिवाइड इसमें, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 81। 3 का फिर से गया, कितने टाइम गया, 27 टाइम। 3 का डिवाइड कितने टाइम गया, 9 टाइम। 3 का डिवाइड 3 टाइम, 3 का डिवाइड 1 टाइम, ठीक है। ये तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए था। अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब बोलता है कि भाई मेरे जो पेयर बनते हैं वो 3 डिजिट के बनते हैं। तो ये दिख रहा है आपको 3 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम। इन्होंने तो अपना पेयर कंप्लीट कर लिया, इन्होंने तो कहा हमारे पास तो पेयर है, इन 3 के पास पेयर थोड़ी था, इनके पास तो 2 ही बार 3 था, 1 3 यहां से गायब है, 1 3 यहां से गायब है। तो यहां हमें क्या चाहिए था, हमें एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए था, इसका मतलब हमारी स्मॉलेस्ट नंबर ही क्या बन गई है, हमारी स्मॉलेस्ट नंबर 3 बन गई है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 3, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट टू 4 3, देन वी गॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही करना है कि कौन सा इसमें डिजिट नहीं मिल रहा है, जैसे देखिए एक बार एक और करते हैं अपन ट्राई, और इसके आंसर निकालने हो वो भी निकाल सकते हो आप। 256 का करते हैं अपन, 6 लास्ट में 2 का डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि जिसमें भी क्या होता है 0 होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है, उसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, तो इसमें भी चला जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और यहां बन गए 2 8, ये गया 64 टाइम। 2 का डिवाइड गया इसमें 32 टाइम, 2 का डिवाइड गया इसमें 16 टाइम, 2 का डिवाइड गया इसमें 8 टाइम, 2 का डिवाइड इसमें गया 4 टाइम, 2 का डिवाइड इसमें गया 2 टाइम, एंड 2 का डिवाइड अगेन 2 टाइम। अब मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, इन 2 से तो भाई इन 2 का तो पेयर बन गया, ठीक है, इन 2 का भी पेयर बन गया 3 टाइम, ठीक है। क्या इन 2 का पेयर बन पाया, इनका नहीं बन पाया पेयर, इसलिए क्या बन गया, इनमें एक 2 और चाहिए होगा हमें, सॉरी एक 2 और चाहिए होगा हमें, तभी ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो अपना क्या आ गया, जिसको इससे मल्टीप्लाई करें वो तो आ गया अपना 2, और अगर इसके आंसर निकालने की बात करें तो एक 2 यहां से ले लो, एक 2 ये वाला ले लो, और एक 2 ये नीचे वाला ले लो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इनके आंसर 8 होंगे। अगर जो परफेक्ट क्यूब नंबर इससे निकलेगा, जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 1 2 आएगा, और 5 1 2 का क्या होगा, क्यूब रूट अपना 8 ही होता है, ठीक है। तो वो 8 आंसर भी अगर निकालना पड़े तो आप आंसर भी निकाल सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिवाइड किससे करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए डिवाइड के लिए। 81 आ गया, 100 का आप खुद करना, और भी बाकी क्वेश्चन है वो आपको ही करना है। 81 देखिए आप, 3 का डिवाइड दिया इसमें, 3 2 6 3 7 21 2 3 का डिवाइड दिया इसमें 9 टाइम, 3 का डिवाइड दिया 3 टाइम, 3 का डिवाइड दिया 1 टाइम। देखिए ये तीन तो अपने पेयर के साथ आ गया, ये देखिए ऐसे है 4 टाइम 3 है, ये तीन तो अपने पेयर के साथ आ गया, पर ये 3 अकेला बचा, इसको हटाना है अपने को। डिवाइड में क्या होता है, जो नंबर एक्स्ट्रा रह जाता है उसको हटाते हैं, जबकि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सहयोग की भावना होती है, एक ये हेल्पफुल रहते हैं कि जो कम आ रहा है उसको एक और ला के देते हैं, ले भाई, और ये क्या करते हैं एक को हटा देते हैं। जैसे कोरोना बीमारी चल रही है, बूढ़े को हटा देते हैं, वैसे इसमें क्या करते हैं, जवान को रख लेते हैं, बूढ़े को हटा देते हैं साइड में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, ये जो 3 था इसको हटाना है अपने को, तो डिवाइड किसका करना पड़ेगा अपने को, 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा। तो डिवाइड का जो नंबर होगा स्मॉलेस्ट वो तो अपना क्या बनेगा, 3 बनेगा, कि इसमें डिवाइड करेंगे ना 3 का, तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ये तो बात सही है, और 27 आता है 3 का डिवाइड करते हैं, आपको भी पता है 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है, वो तो चलिए छोड़िए। और इसका अगर आंसर पता करने की कोशिश करें तो इसका क्यूब रूट 3 में से एक ही 3 बाहर आएगा, ठीक है, 3 बार 3 अंदर तो एक ही बार 3 बाहर आएगा, अगर पेयर में एक ही नंबर क्या आता है बाहर आता है, इसका आंसर भी क्या होगा 3, और हमें पता है 27 का आंसर भी 3 होता है क्यूब रूट, ठीक है। आंसर निकालना पड़े तो भी आपको ऐसे ही करना है। अब 128 की बात आई, तो 128 को देखो सिंपली यहीं पे मैं प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं 128 के, ये देखिए किए हुए ना 128 के, दिख गए होंगे आपको, दिख रहे हैं ये 128 के बन गए। तो क्या करना है देखिए, ये 2 आ गए, ये 3 टाइम 2 आ गया, क्या बच गया, एक बार 2 एक्स्ट्रा बच गया, इस 2 में डिवाइड करना है आपको 2 का, बस जैसे 2 का डिवाइड करोगे आंसर भी क्या जाएंगे, 2 ये वाले 2 ये वाले, 2 2 कितने बन गए 4। अगर फिर भी इसमें डाउट होता तो आप दोबारा से डाउट पूछे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्यूब और क्यूब रूट भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन की और बात करें तो लास्ट क्वेश्चन अपना है 4 2 5, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बोला है कि एक के पास है ना एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड जानते हो आप क्या होता है, क्यूबॉइड इस टाइप का थोड़ा मतलब किताब, आपकी किताब जैसा मान लीजिए, आपकी जो बुक है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जितना ये था, इन बोला कितने को और को मिलाएं तो एक क्यूब बन जाएगा, क्यूब और क्यूब मतलब डाइस, जो देखा आपने डाइस उसकी तरह होता है। तो बोला ये अलग अलग हैं, जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर की है, जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर की है, और जिसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर की है, ऊंचाई 5 की हो गई, लेंथ भी 5 की हो गई, ब्रीथ उसकी 3 सेंटीमीटर की है। अब बोला इनको कितनों को हम मिलाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, परफेक्ट क्यूब बनाना हो और आपके पास इन मेजरमेंट रहे, आपके पास मेजरमेंट है 5 5 2, अब ये मेजरमेंट है आपके पास, अब बोला कितने और चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा कि 5 तो डबल बार आ गया, एक बार और 5 आना चाहिए क्यूब में, 2 एक बार ही आया, 2 कितनी बार और आना चाहिए, 2 टाइम और आना चाहिए ताकि पेयर बन जाए। अब इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए कि हमें इतने और निकालने पड़े, तो ये कितने हैं, 5 2 10 10 टू जा 20, तो हमें 20 क्यूब और चाहिए होंगे, 20 क्यूब और चाहिए होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 5 2 था, अपने को क्या करना है, 2 का क्या यहाँ पे पेयर नहीं बनना, तो 2 के 2 और लिख दिया यहाँ पे, 5 डबल टाइम था, एक बार और लिख दिया, तो बस। अब जिनको चाहिए हमें कि भाई कितने क्यूबॉइड चाहिए थे, तो इतने क्यूबॉइड हमें और चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा और हमारा क्यूब भी बन जाएगा। तो आपकी ये जो 7.1 थी बड़ी ईजी थी, अगर आपको पिछले वाला समझ में आ गया वीडियो की, पिछले वाली वीडियो में मैंने क्या समझाया है, तो ये वीडियो भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक्टिव रह के पढ़ना है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।